हेलो गाइस, मैं राकेश सर आप सबका फिर से एक बार अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा 4.4 का सभी फोर सम्स। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। पहले हमें फाइंड देम, सबसे पहले हमें इसका नेचर पता करना है। अगर इसका नेचर ये एग्जिस्ट करता है तो हमें इसका वैल्यू भी फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये हमारा है 2x²-3x+5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी आपका जो ए दे रखा है वो 2 दे रखा है, बी जो दे रखा है वो -3 दे रखा है, और सी जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, ठीक है। डी इज इक्वल टू होता है B²-4AC। ये या तो 0 के इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। जब लेस देन 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखे। तो बी हमारे पास क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4A हमारे पास 2 है, 2, और C हमारे पास 5 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 4 2 8 5 14। तो क्या देखिए एग्जिस्ट करता है? नहीं, -31। ये जो है लेस देन 0 है, इसलिए ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम यहाँ लिख देंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट रूट, एग्जिस्ट रूट, ओके। तो दैट मीन्स इसमें हमें रूट फाइंड नहीं करना है बिकॉज इट इज लेस देन 0, इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसे साफ कर देते हैं और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि वो सॉल्व होता है या नहीं। नाउ चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3x²-4√3 और +4 = 0। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका ए जो है 3 है, बी आपका जो है -4√3 है, और जो सी है वो आपका 4 है। इसमें भी हमें डी फाइंड करना है, तो डी इक्वल टू होता है B²-4AC, तो इक्वल हो जाएगा आपका -4√3² एंड माइनस बी आपके पास, सॉरी बी तो आपने लिख दिया। अब देखिए 4AC, तो 4 आपको फॉर्मूला से मिलेगा, ए आपको यहाँ से 3 गिवन है और सी आपका 4 गिवन है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4√3 कैसे मल्टीप्लाई होता है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 16 × 3 = 48, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आप इसे साफ कर देता हूँ मैं, दैट मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 48, -4 3 = 12 4 = 48, तो दैट मीन्स ये 0 निकला और इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट एग्जिस्ट रूट है ना, इट एग्जिस्ट रूट, ये रूट एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट रूट। सो वी हैव टू फाइंड रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ओके। इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ। हो जाएगा रूट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -B/2A, -B/2A। इस फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे, ठीक है। --4√3 और अपॉन 2A, तो 2 × 3, कॉमा सेम आ जाएगा क्योंकि इक्वल रूट है तो ये सेम ही होगा दोनों, एंड 2 × 3, ठीक है। नाउ अगर आप इसको इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 / 4√3/2 × 3। अब इसे आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, √3 √3 जा
कैंसिल हो गया है ना, ये रूट थ्री आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री जा कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका जो रूट आएगा वो इस तरह आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका क्या, 2/√3, 2/√3, 2/√3 है ना। ये आपका दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ये दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था, 3x² - 4ac, ये इनका रूट निकल गया है, एक जिस करता था तो इसका रूट हुआ 2/√3, 2/√3 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ये रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसे नोट कर लीजिए। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू है 2, बी इज इक्वल टू है -6 एंड सी इज इक्वल टू है 3। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड डी डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac इज इक्वल टू -6² - 4 × 2 × c, आपके पास 3 है। 36 - 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 इज इक्वल टू 12, इट इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स वी हैव टू इक्वल रूट्स बट डिफरेंट, इक्वल रूट्स बट डिफरेंट है ना। हमारे पास दो इक्वल रूट्स आएंगे लेकिन वो डिफरेंट आएंगे। तो अब यहाँ लिख दीजिए इट एग्जिस्ट रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो चलिए अब हम रूट्स निकालते हैं। 6 है, आइए तो हम रूट्स फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसके दो इक्वल रूट्स होंगे, तो पहले हम प्लस में फाइंड कर लेते हैं फिर माइनस में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 2a, तो ये आपका हो जाएगा --6 और +√12, क्योंकि हमारा जो डी निकला था 12 निकला था, और 2 × 2 ये आपका हो जाएगा +6, और अगर 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 3 = 12, तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा, और 2 × 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल चलिए हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको। तो ये 6 अगर आप ऊपर 2 कॉमन ले लें इनमें से, और इनमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा आपका 3 + √3/2 × 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 3 + √3/2। ये आपका पहला रूट निकला, इसे नोट कर लीजिए, हमें साफ करना पड़ेगा। अब चलिए दूसरा रूट फाइंड करते हैं। तो रूट्स इक्वल टू हो जाएगा -b - √d, क्योंकि हमने प्लस में अभी भी फाइंड किया है, तो 2a, ठीक है। चलिए आगे -b इसमें पुट करते हैं, तो --6 होगा और -√12 होगा / 2 × a की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारा a 2 है। नाव इक्वल हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा और यहाँ 12 को अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2√3/2 हो जाएगा 2 × 2। अगर आप यहाँ 2 कॉमन ले लें ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 3 - √3/2 हो जाएगा 2 × 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल हो गया कर दें, तो आपके पास बचेगा 3 - √3/2, तो ये आपका दूसरा रूट आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह थर्ड क्वेश्चन का जो रूट एग्जिस्ट करता था वो आपका दो रूट आ गया, 3 + √3/2 और एक आया 3 - √3/2। इस तरह पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखे हैं और इनके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो क्या इसमें जो के जो अननोन डाटा है, जो के अननोन डाटा है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए क्या है, 2 है,
बी क्या है, के है, और सी क्या है, आपके पास थ्री है। तो ये कहता है कि इक्वेशन का टू इक्वल रूट्स है, टू इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू होगा जीरो। अब हम इसमें पुट कर देंगे, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कहा जाए कि इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। जब इसमें आप ये पुट कर दोगे तो आपका के फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा 4 2 8 3 24, ठीक है ना। नाउ अगर आप के इज इक्वल टू करोगे तो के इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस √24। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4 6 24, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा और 6 अंदर ही रह जाएगा, तो ये आपका इक्वल रूट आ गया, ठीक है ना। तो के इज इक्वल टू हो गया आपका 2√6 प्लस माइनस में, प्लस 2√6 भी इसका वैल्यू होगा और माइनस 2√6 भी इसका वैल्यू होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम सेकेंड क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, के एक्स इंटू एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक में नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले इसे हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे पहले क्वाड्रेटिक में चेंज कीजिए और उसके बाद आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको इसमें ए बी और सी नहीं फाइंड हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक में चेंज कीजिए। तो चलिए के एक्स को एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के एक्स हो जाएगा और +6 हो जाएंगे और इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 आ गए, ठीक है। नाउ देखिए आपके पास ए आ गया के, बी आ गया आपके पास -2 के, क्योंकि इससे पहले आपके पास बी क्या है ए क्या है डिसाइड नहीं था, और सी आपके पास 6 है। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हमारे पास टू इक्वल रूट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस 4 ac इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो बी हमारे पास क्या है, बी देखिए हमारे पास 2k है माइनस में है, तो -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 a, हमारे पास k है और c हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा और माइनस सॉरी इक्वल में है 0 भी आएगा, 4k² माइनस 4 6 24 k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, मुझे साफ करना पड़े। नाउ आपने देखा कि 4k² इज इक्वल टू होगा 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप 4k² को LHS में ही रखेंगे और 24k को 0 के पास ले जाएंगे RHS में, तो ये हो जाएगा 24k। उसके बाद आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह कर दो, के को यहाँ ले आओ और 24 को ऊपर ही रखेंगे, 4 कैसे रखेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के से चलिए अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं, के से के को कैंसिल करेंगे के मिलेगा, 4 को इसको कैंसिल करेंगे 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने कैंसिल कर दिया तो के इज इक्वल टू आपका मिल गया 6, दैट मीन्स के का जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपका वैल्यू हो गया, तो इस तरह दोनों का के फाइंड हो गया। तो हेलो गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको सवाल समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है आपके पास एक मैंगो ग्रोव है, यानी आम का बगीचा है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है और उसका जो एरिया है वो 800 m² है। तो आपका इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट चलिए हम सॉल्यूशन लेते हैं, लेट द ब्रेथ, हम ब्रेथ ले लेते हैं क्योंकि ब्रेथ में कंपेयर किया गया है, ब्रेथ इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स मीटर, ओके। नाउ लेंथ इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा इसका ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपने देखा इसका जो एरिया है, चूंकि एरिया जो है इसका वो आपके पास गिवन है 800 m², दैट मीन्स
एल इंटू बी यानी 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 800 मीटर स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तब इसे नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो हमारा जो इक्वेशन मिला वो मिला 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें b नहीं है, तो आप हम b इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए आपके पास a निकला है 2, b निकला है 0 और c निकला है आपके पास माइनस 800। हमें ये पता करने के लिए रूट एग्जिस्ट है या नहीं, बी स्क्वायर माइनस से 4ac निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स d निकालना पड़ेगा, d इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 800 के पास। चलिए आप d इक्वल टू देखिए क्या आया, d इक्वल टू आया आपका, इसे अगर आप सॉल्व कर दें तो ये जो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसे ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और जीरो में से माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा, 4 2 8 8 64 यानी 6400। ये आ गया आपका डी जो ग्रेटर देन, तो यहाँ पर जो आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि डी जो है ग्रेटर है जीरो से, इसका मतलब है ये रियल रूट है, इट हैज़ हो जाएगा मेरा माइनस बी प्लस, एक बार हम प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस, और बी जो था हमारे पास जीरो था इसलिए जीरो हो जाएगा, और डी जो हमारा निकला वो क्या निकला 6400 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा अपॉन 2 2 4, इससे डिवाइड कर दीजिए 20 आ गया है ना, 20 मीटर एक एक्स आ गया 20 मीटर। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, अब एक बार माइनस में निकाल के देखना पड़ेगा, तो इसे नोट कर लीजिए जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस 0 और माइनस 6400 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये इक्वल डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 80 अपॉन 4, एक इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20। तो एक रूट जो हमारा 20 निकला प्लस में और एक माइनस में निकला, नोट कर लीजिए इस तरह x इक्वल टू 20 निकला और दूसरा x इक्वल टू माइनस 20 निकला। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको निगेटिव को लीव कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव नंबर लेंथ या ब्रेथ नहीं हो सकता, तो सो हमारे पास ब्रेथ आ गया बी, ब्रेथ इक्वल टू हो गया आपका x मीटर इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ ट्वाइस है, लेंथ जो है ट्वाइस है 2x मीटर है, इसलिए 2 इंटू 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ 20 मीटर एंड 40 मीटर, ओके। तो आइए हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अभी जो प्रेजेंट एज का सम है 20 ईयर्स है दोनों दोस्त का, ठीक है, और 4 वर्ष पहले का जो एज था उसको अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 48 मिलता है। तो इससे पहले हमें इक्वेशन बनाना होगा और उस इक्वेशन से हमें रूट फाइंड करना होगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसे सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन चलिए हमने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज एक्स ईयर्स एंड सो द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब चल दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, एक्स माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर आप 4 वर्ष पहले जाओगे उसके बाद दोनों उम्र को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 48 मिलेगा। तो ये आपका हो गया एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसे और कर लें, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 16x आ जाएगा,
फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा और इक्वल टू 48 आ जाएगा। नाउ इसे आपका इस माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लीजिए, 16x प्लस 4x 20x हो जाएगा, और 40 माइनस 64, 48 को इधर लाएंगे तो ये भी 48 में बदल जाएगा अगर साइड चेंज करेंगे तो। अब ये आपका ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x और माइनस 8 4 12 2 1 के लिए 6 4 10 1 11 माइनस 1 1 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आपका ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इक्वेशन आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1 1 12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए इसमें आपका देखिए माइनस 1 है, बी आपका देखिए 20 है, और तो ये हमारे क्वेश्चन मिला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1 1 2 इक्वल टू 0। यहाँ ए इक्वल टू माइनस 1 निकला, बी इक्वल टू 20 निकला, और सी इक्वल टू माइनस 1 1 2 निकला। तो इस तरह देखें, इस तरह हमारा इक्वेशन आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1 1 2 इक्वल टू 0। इसमें ए इक्वल टू माइनस 1 निकला, बी इक्वल टू 20 निकला, और सी इक्वल टू 1 1 माइनस 1 1 2 निकला। तो इस तरह हमें ए बी सी मिल गया, ठीक है। डी फाइंड करते हैं, डी इक्वल टू रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी हमारा क्या है, 20 का स्क्वायर है, और 4 इंटू ए हमारे पास माइनस 1 है, और सी हमारे पास माइनस 1 1 2 है। ये हो गया 400 माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, यानी अब इसको माइनस कर दीजिए तो 400 माइनस 4 4 8 इक्वल टू माइनस 48 आ जाएगा। इट इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इट हैज़ नोट रियल रूट, इट हैज़ नोट रियल रूट्स, ओके, नॉट रियल रूट्स, सो वी कैन नॉट फाइंड द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, ओके। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाँ गाइज, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400। क्या कोई भी पार्क डिजाइन करना संभव है यदि उसका पेरीमीटर 80 मीटर्स है और उसका जो एरिया है 400 मीटर्स है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ये पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर इसका दे रखा है 80 मीटर, तो चलिए पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। आइए लेट करते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स मीटर, ओके। देन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ गिवन है कि 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर। नाउ 2 इंटू एल प्लस बी की जगह अगर एक्स लिख देते हैं तो ये 80 मीटर आ जाएगा। नाउ एल प्लस एक्स इक्वल टू 2 से इसे डिवाइड कर दें, चलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 80 जाए, यानी ये 40 आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास एल प्लस एक्स इक्वल टू आ गया 40 मीटर। दैट मीन्स अगर आप एल बराबर करोगे तो 40 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आपका एक्स मीटर, ये आपका लेंथ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एल इक्वल टू आपका निकल गया, और लिख देंगे इसलिए एल इक्वल टू क्या निकल गया, 40 माइनस एक्स। तो आपके पास ये जो बी है वो एक्स मीटर है और जो लेंथ है वो 40 माइनस एक्स मीटर है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नाउ एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो दैट मीन्स एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एल हमारे पास निकला है 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा आपका
40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डैट मीन्स तो इस तरह हमारे पास जो a निकला वो निकला माइनस 1, बी निकला 40 और सी निकला 400 माइनस में। ठीक है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर, डी इक्वल टू निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4ac तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 400। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1600 माइनस, तीन बार माइनस है तो माइनस ही आंसर आएगा, ये भी हो जाएगा 1600 इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब है ये 0 के इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब है कि ये 2 इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो चलिए हम 2 इक्वल रूट्स निकाल लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय 2a, तो इक्वल टू हो गया माइनस 40 एंड 2 इंटू माइनस 1, और दूसरा भी यही हो जाएगा माइनस 40 2 इंटू माइनस 1, तो इज इक्वल टू हो गया माइनस 40 अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस 40 अपॉन माइनस 2, कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 इन 20। सो बी इज इक्वल टू 20 मीटर एंड एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इस तरह ये हमारा आंसर निकला, इसका लेंथ भी हमारा 20 मीटर हो गया और जो ब्रेथ था वो भी 20 मीटर हो गया। तो इस तरह आपके 5th क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।